नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस राजधानी में सक्रिय अपराधियों पर लगातार अपना शिकंजा कसे हुए है। इसी का नतीजा है कि ज्यादातर दुर्दांत अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या दिल्ली के बाहर। अपराधियों पर नकेल कसने की इसी मुहिम के तहत पुलिस को एक कुख्यात गैंगस्टर के बारे में अहम सूचना मिली, लिहाजा पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उस अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। सुरक्षा सर्वप्रथम, इसी मकसद के साथ दिल्ली पुलिस हमेशा प्रयासरत रहती है ताकि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे। इसी मुहिम के तहत पुलिस अपनी टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों के साथ साथ आतंकियों पर भी कड़ी नजर जमाए रहती है। इन्हीं कोशिशों के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू और ज्योति उर्फ बाबा गैंग से जुड़ा एक खूंखार बदमाश सोनू बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में एक संभावित जगह पर आने वाला है। सूचना काफी महत्वपूर्ण थी, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया। योजना बनाकर पुलिस टीम को उस संभावित जगह के लिए रवाना कर दिया गया। वहां पहुंचकर पुलिस टीम ने अपना जाल बिछा दिया ताकि किसी भी कीमत पर वो बचकर भाग ना पाए। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को एक शख्स उस संभावित जगह पर आता हुआ दिखाई दिया। ये पुख्ता हो जाने पर कि ये वही शख्स है जिसका पुलिस इंतजार कर रही है, फौरन उसे घेर लिया गया। इससे पहले कि बदमाश सोनू कुछ समझ पाता, पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अपराधी सोनू ने बताया कि वो करीब 5 सालों से नंदू बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। सोनू अपने भाई अनिल पोड़ी के नक्शे कदम पर चलकर इस गैंग में शामिल हुआ था। अनिल पोड़ी को पहले ही हत्या जैसे कई संगीन मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अब ज्योति उर्फ बाबा के साथ तिहाड़ में बंद है। सोनू ने बताया कि वो जेल में बंद अपने सरगना ज्योति उर्फ बाबा के इशारे पर गिरोह के अन्य सदस्यों को आर्थिक मदद पहुंचाता था। वो उनके लिए सिम कार्ड और मोबाइल फोन की व्यवस्था करने के साथ गिरोह के सदस्यों के बीच संदेश पहुंचाने का काम भी करता था। सोनू ने आगे खुलासा किया कि ज्योति उर्फ बाबा के निर्देश पर उसने सुमित धनखड़ और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली में धनी व्यक्तियों से रंगदारी वसूलने की योजना बनाई। उसने ये भी बताया कि ज्योति उर्फ बाबा के निर्देशानुसार सुमित धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय नंबरों की व्यवस्था की थी। इन नंबरों में से एक सोनू को इस्तेमाल के लिए दिया गया था, जबकि दूसरा नंबर खुद ज्योति उर्फ बाबा लोगों को फोन पर धमकाने और वसूली के लिए इस्तेमाल करता था, ताकि उसकी पहचान और लोकेशन के बारे में किसी को पता ना चल सके। सोनू बाबा समेत इस गिरोह के सदस्यों से मोबाइल पर लगातार संपर्क बनाए हुए था। वो भगोड़े गैंगस्टर कपिल सांगवान की मां और बहन के लिए यूरोपीय देश का पासपोर्ट और वीजा हासिल करने में भी मदद कर रहा था। कुख्यात अपराधी सोनू इससे पहले और संगीन वारदातों को अंजाम दे पाता, पुलिस ने इसे दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम में आम नागरिकों का भी काफी योगदान रहता है, जो समय समय पर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा अपराधियों को गिरफ्तार करने में काफी अहम रोल अदा करते हैं। आइए हम भी पुलिस की मदद के लिए आगे आएं और दिल्ली को सेफ और सिक्योर माहौल प्रदान करने में पुलिस की सहायता करें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश।
ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। शाहदरा जिला पुलिस ने गांधीनगर इलाके में एक महिला फातिमा की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दो कॉन्ट्रैक्ट किलर शौकीन और जीशान को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल सुपारी किलर शौकीन की एक महिला रानी से दोस्ती थी जो एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसी ने फैक्ट्री में साथ काम करने वाली अपनी एक सहेली आरती उर्फ पंजाबन से शौकीन की मुलाकात कराई थी। आरती ने शौकीन को बताया कि एक महिला फातिमा से उसका पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा है। झगड़े से तंग आ चुकी आरती उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। फातिमा की हत्या के लिए आरती ने 1,00,000 रुपए की सुपारी दी थी। बाद में मौका देखकर शौकीन ने अपने साथी जीशान के साथ मिलकर फातिमा की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। ये तय हुआ कि आप जो पंजाबन एलियस आरती एलियस मधु जो है वो इनको 1,00,000 रुपये देगी और उसके बदले में ये इसको मार देंगे। तो जो अक्यूज्ड है इसमें शौकीन, उसने अपने साथ एक दूसरे लड़के को लिया जीशान, और उसके साथ इसने प्रॉपर रेकी करी, और रेकी करने के बाद एक बार अटेम्प्ट भी किया 2-3 दिन पहले, बट इसको मौका नहीं मिला। उसके बाद इस दिन डे ऑफ इंसिडेंट को इनको मौका मिला और इन्होंने आते ही उसको गोली मारी। दो वेपन इसमें यूज हुए, एक पिस्टल और एक कट्टा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने एक एटीएम जालसाज नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथी के साथ उन इलाकों में रेकी किया करता था जहां एटीएम बूथ बने हो। जब बूथ के अंदर कोई शख्स एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकाल पाता तो उसकी मदद के बहाने ये अंदर घुस जाता था। इसके बाद ये उस शख्स के डेबिट कार्ड के जरिए बड़ी ही चालाकी से खाते से पैसा निकाल लेता था। रंगपुरी क्षेत्र में इसकी चालबाजी का शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने अपने साथ हुई जालसाजी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और इसे गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। पुलिस ने इसके कब्जे से 17 एटीएम कार्ड बरामद करते हुए इस प्रकार की धोखाधड़ी के 5 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में हरप्रीत सिंह नाम के एक बिल्डर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई थी। इसके जरिए इन्होंने गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक मॉल का निर्माण किया था। इस मॉल में ये लोगों को दुकान बुक कराने का ऑफर देता था। जब लोग इसके मॉल में दुकान बुक करा देते तो बाद में ये उन्हें दुकान का किराया देने का लालच देता था। शुरुआत में ग्राहक को इसके द्वारा दुकान के किराए का भुगतान किया भी जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद किराया देना बंद कर ये उस दुकान को दूसरे ग्राहक को बेच दिया करता था। ऐसे ही एक शख्स ने साल 2008 में कई लाख रुपए देकर इसके मॉल में अपनी दुकान बुक कराई थी। इसके साथ भी इसने ऐसी ही ठगी की थी। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की
और इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। सीलमपुर इलाके में एक शख्स से बंदूक की नोक पर हुई कई लाख रुपए की लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत छानबीन करते हुए पुलिस सीसीटीवी कैमरों और अन्य सूत्रों से जानकारी के आधार पर बाइक सवार 3 लुटेरों का पता लगाने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटपाट में शामिल 2 संभावित लुटेरे सीलमपुरी स्थित पांडुशिला मंदिर के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और अलीशान और मोहम्मद कैफ नाम के 2 लुटेरों को धर दबोचा। बाद में इनके निशानदेही पर पुलिस इनके अन्य साथी काजी और शोएब सहित एक नाबालिग को हिरासत में लेने में भी कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए पैसों में से 36 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद कर ली है। साथ ही 2 दुपहिया, 1 कार और 2 लोडेड पिस्टल भी आरोपियों के पास से पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शातिर इनामी बदमाश सूरज उर्फ भगत को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली में हत्या, डकैती और बलात्कार के 5 मामलों में शामिल रहा है। अदालत द्वारा इसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी और कोरोना महामारी के दौरान जून 2020 में पैरोल पर जेल से इसे रिहा कर दिया गया था, लेकिन अवधि पूरी हो जाने के बाद भी ये वापस जेल नहीं आया और आपराधिक गतिविधियों में फिर से शामिल हो गया। अपने आप को काले जादू में माहिर बताकर इसने सीमापुरी क्षेत्र में एक महिला को अपने जाल में फंसा लिया। महिला का मिर्गी का इलाज करने का दावा करके इसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देकर ये फरार हो गया और दिल्ली में अपना ठिकाना बदलकर रह रहा था। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को इसके गाजियाबाद में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। नई दिल्ली जिला पुलिस ने 2 झपटमार संतोष कुमार और योगेंद्र को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी घोषित अपराधी हैं और लूट और छीना झपटी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 शातिर झपटमार उत्तम नगर और त्रिलोकपुरी में अपने अपने ठिकाने पर मौजूद हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संतोष को उत्तम नगर से जबकि योगेंद्र को त्रिलोकपुरी से गिरफ्तार कर लिया। संतोष के पकड़े जाने से पुलिस ने लूट और छीना झपटी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 लुटेरे विशाल और गौरव को गिरफ्तार किया है। प्रताप नगर इलाके में बदमाशों द्वारा एक युवती से मोबाइल फोन झपटमारी की शिकायत पुलिस को मिली थी। इस पर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और महज आधे घंटे के अंदर ही आरोपी विशाल को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके दूसरे साथी गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया। गौरव पहले भी लूट व झपटमारी के कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से युवती से झपटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के ब्लाइंड केस को सुलझाते हुए आरोपी अतीक को गिरफ्तार किया है। लोधी कॉलोनी स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सामने वाले नाले में 2 लाशों के पड़े होने के बारे में एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाश मिलने के स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपी की पहचान कर इसे गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। दोनों मृतक और आरोपी रूममेट थे। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 2 शातिर बदमाश विशाल और विनीत को गिरफ्तार किया है। आरोपी शानो शौकत की जिंदगी जीने के लिए लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। किशनगढ़ इलाके में शिकार की तलाश में घूम रहे 2 बाइक सवार युवक गश्त कर रही पुलिस को देखकर भागने लगे।
शक होने पर पुलिस ने फौरन इनका पीछा किया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इनकी तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ। जांच के दौरान बाइक भी चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरी जिला पुलिस ने महज 48 घंटे में कश्मीरी गेट इलाके में हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दंपत्ति अपने साथियों के साथ मिलकर कश्मीरी गेट बस अड्डे से सवारियों को उनके घर तक छोड़ने के लिए ऑटो में बैठा लेते थे। ऑटो में पहले से बैठी महिलाएं खुद को सवारी बताकर रास्ते में उतरने की बात कहकर सवारी को झांसा देती थी। मौका मिलते ही ये सवारियों को गला दबाकर उन्हें बेहोश कर देते और उनसे पैसे और सामान लूटकर फरार हो जाते। इसी तरीके से इन्होंने देहरादून से दिल्ली आए एक शख्स को अपना शिकार बनाया था। पीड़ित ने अपने साथ हुई वारदात की रिपोर्ट पुलिस में कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए ऑटो की पहचान की और लूट में शामिल इस दंपत्ति को धर दबोचा। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 14 वर्षों से फरार चल रहे एक शख्स आनंद क्षेत्री को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2007 में सीआर पार्क पुलिस स्टेशन में आनंद के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पेश ना होने पर पटियाला कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दिया था। पालम फ्लाईओवर के नजदीक पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि आर्म्स एक्ट मामले में कई वर्षों से फरार चल रहा आनंद इस इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सैनिक फार्म इलाके में स्थित 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हथियाने के आरोप में निखिल टंडन को गिरफ्तार किया है। निखिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैनिक फार्म की प्रॉपर्टी को किराए पर लिया। शुरू में तो इन्होंने प्रॉपर्टी का किराया दिया, लेकिन कोरोना काल के बाद से इन्होंने किराया देना बंद कर दिया। संपत्ति के मालिक ने रेंट वसूलने के लिए कोर्ट का सहारा लिया तो निखिल ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर इस प्रॉपर्टी को कैश में खरीदने की बात बताई। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने पर निखिल की पोल खुल गई और पकड़े जाने के डर से ये फरार हो गया। बाद में पुलिस ने निखिल के सैनिक फॉर्म में मौजूद होने की सूचना मिलने पर उसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एजेंट संदीप कुमार और गुरविंदर सिंह मोखा सहित 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। एजेंट संदीप कुमार और गुरविंदर सिंह मोखा अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फर्जी फ्रांस टूरिस्ट और शेजेन वीजा मुहैया कराने में लगे थे। इनके द्वारा मुहैया कराए गए वीजा पर जब 3 लोग यूके से पेरिस की यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट पर आए तो इस दौरान इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर इन्हें रोक लिया गया। जांच पड़ताल में 3 यात्रियों के वीजा फर्जी निकले। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो इन्होंने एजेंट संदीप से पैसे के बदले वीजा लेने की बात कही। इस आधार पर पुलिस ने एजेंट संदीप को दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ट्रैक कर धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर फर्जी वीजा तैयार करने में शामिल इसके साथ ही गुरविंदर मोखा को भी उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 2 आरोपी रोहन कुमार और कंवरपाल को गिरफ्तार किया है। कंवरपाल राजस्थान और मध्य प्रदेश से पॉपी स्ट्रॉ लाकर रोहन के जरिए दिल्ली एनसीआर और पंजाब में सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ड्रग्स तस्करी के धंधे में शामिल रोहन सोनिया विहार पुश्ते के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा।
तलाशी लेने पर इसकी स्कूटी में छिपाकर रखा गया पॉपी स्ट्रॉ बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने इसके विजय विहार स्थित घर पर तफ्तीश देकर वहां से भी 198 किलो पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने इसके निशानदेही पर कमरपाल को भी उस्मानपुर इलाके में तफ्तीश देकर गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने स्नैचिंग करने वाले मेवात बेस्ड गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना विपुल अरोड़ा सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बदरपुर बॉर्डर से आश्रम चौक के बीच पैदल यात्रियों को टारगेट कर उनका फोन झपटा करता था। झपटमारी से इकट्ठा मोबाइल फोन को मेवात ले जाकर बेच दिया करते थे। ऐसे ही एक रोज जब ये चारों 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर झपटे गए मोबाइल फोन को बेचने के लिए बदरपुर होते हुए मेवात जा रहे थे तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन सहित एक चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेपसराय इलाके के स्वतंत्रता सेनानी एनक्लेव में स्थित करोड़ों रुपए के फ्लैट को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने की साजिश में शामिल 2 आरोपी नीतीश चौधरी और साहिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल वर्ष 2018 में एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी एनक्लेव में 200 वर्ग गज का भूखंड खरीद कर वहां घर बनवाया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी संगीता सैनी को भी 50% का शेयर धारक बनाया था। लेकिन साल 2016 में संगीता की मृत्यु हो गई। इसके बाद संगीता के पति राजेश सैनी ने नीतीश चौधरी और साहिल अग्रवाल के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूरे फ्लैट पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने जब गवाहों से मिली जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की तो राजेश सैनी, नीतीश चौधरी और साहिल अग्रवाल का किया गया फर्जी वाड़ा सामने आया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप में पुलिस ने राजेश सैनी को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नीतीश चौधरी और साहिल अग्रवाल फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने 5 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को PCR द्वारा इत्तला मिली थी कि इलाके में कुछ लोगों द्वारा हथियारों के बल पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से आरोपियों के झड़ोदा कला गांव के नजदीक छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और संदीप, खुशवंत और राहुल नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके 2 अन्य साथी जतिन और गौरव को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 बाइक, 1 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।